नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो भी खबर बताई जाती है बिल्कुल सही खबर बताई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि बंगाल में ऑक्सीजन की खपत बीते एक हफ्ते में 470 मीट्रिक टन से बढ़कर 550 मीट्रिक टन तक पहुँच चुकी है। राज्य सरकारें पहले ही अपनी डिमांड बता चुकी है। बंगाल में ऑक्सीजन की जरूरत अब 550 मीट्रिक टन रोजाना है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से बंगाल के लिए अधिक ऑक्सीजन आवंटन पर जोर दिया, इसके लिए समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया इसकी आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए 550 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आवंटन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर वो चिंतित है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कोरोना वायरस से 117 लोगों की मौत हो गई। वहीं संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11,964 हो गया है। एक ही दिन में 18,000 से अधिक नए मामले सामने आ गए। पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,734 हो गई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मास्क न पहनने पर होगी सख्त कार्रवाई।